हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड्स ब्लॉग। आज मैं बना रही हूँ रेहू मछली। तो मैं मछली को अच्छे से वॉश कर ली हूँ। अब मैं इसमें हल्दी और नमक डालकर इसे अच्छे से मिला लूँगी। हल्दी और नमक मिला दी हूँ मैं मछली में अच्छे से, और उसे साइड में रखकर मैं तेल गर्म होने के लिए दे रही हूँ। मैं सरसों तेल में मछली को फ्राई करूँगी। तेल गर्म हो गया है, अब मैं मछली फ्राई कर लूँगी। मछली फ्राई हो रही है, एक तरफ मैं मसाले निकालूंगी। तो मैं ली हूँ जीरा, गोल मिर्च, प्याज और लाल मिर्च आदि और लहसुन। इस सब का मैं एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेती हूँ। इधर मछली भी फ्राई हो रही है। मछली फ्राई हो गई है, अब मैं इसे निकाल लूँगी एक बर्तन में। इसी तरह मैं सारी मछलियों को फ्राई कर लूँगी। इधर मसाले भी तैयार हो चुके हैं पीसकर। सारी मछलियाँ फ्राई हो गई है। अब मैं उसी तेल में लाल मिर्च डाली हूँ और फ़ौरन में मैं 5 फ़ोरन डालूँगी। अब मैं इसमें तेज़पत्ता डाली हूँ। अब प्याज डाल दूँगी। प्याज को थोड़ा ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज फ्राई हो चुका है, मैं इसमें मसाले डाल दूंगी। थोड़ा सा मसाला को चलाकर फिर इसमें मैं हल्दी नमक डाल दूंगी। अब मसाले को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। मसाले को तब तक फ्राई करना है जब तक मसाला तेल अलग ना हो जाए। मसाला लगभग फ्राई हो चुका है। मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती डालकर इसे और थोड़े से फ्राई करूंगी। इससे अच्छा फ्लेवर आता है।
आप देख सकते हैं तेल अलग हो चुका है मसाले को छोड़कर, मतलब मसाले अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी, पानी उतना ही डालना है जितना ग्रेवी रखना है। पानी में उबाल आ चुका है तो मैं इसमें मछली डाल दूंगी। मैं इसमें सारी मछली डाल दी हूँ। अब इसे थोड़ी हल्के हाथों से चलाना, नहीं तो मछली टूट जाएगी अंदर में। तो हल्के हाथों से चलाकर इसे ढक देना है, थोड़ी और उबाल आने देना है। अब मैं इसे खोल कर देखूंगी, मछली बनकर तैयार है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दें। फिश करी बनकर तैयार है। हाँ, एक बार आप भी ट्राई करें।